दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ अमृतसर के बहुत ही पॉपुलर प्लेस पे जो पिछले 100 साल से प्योर देसी घी में खाना सर्व कर रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ केसर का ढाबा का पूरा मेन्यू। इनके खाने में ऐसा क्या है जो जनता इतनी दीवानी है, सिर्फ अमृतसर से ही नहीं बाहर से आने वाले लोग भी इस प्लेस के इतने दीवाने हैं। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे इनका पूरा मेन्यू, साथ में इनका किचन का पूरा टूर करेंगे। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहो, बहुत मजा आने वाला है आपको। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कभी भी केसर का ढाबा आ रहे हैं तो क्या चीज मिस ना करें और क्या चीज ट्राई ना करें। किचन में एंटर हो चुके हैं इनके में। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं केसर दा ढाबा। जी हाँ दोस्तों, आइकॉनिक केसर दा ढाबा की वर्कशॉप में। और क्या चल रहा है यहाँ पर माहौल आप देख सकते हो भाई, बहुत ही बिजी किचन है। ये थाली रखी है, अच्छी अलग अलग है। चलिए ये देखो भाई साहब हिसाब। तो अंदर घुसते ही जो देसी घी की खुशबू आ रही है ना भाई, क्या बात है यार। कितना टाइम हो गया इस प्लेस को? यहाँ पे 1916 का है। 100 साल प्लस हो गए? 107 साल। अभी दाल दिखाएंगे जो 12 घंटे दाल पकती है। चलो भाई हमारी, तो दोस्त ने टाइम दिया है थोड़ा सा हमें। ये देखो भाई साहब क्या बात है भैया, कितने घंटे पकती है ये? सर 12 घंटे। 12 घंटे जी। ये देखो भाई केसर दा ढाबा की स्पेशल दाल मखनी जो 12 घंटे पकी है। और इस पर ऐसी कैसे नहीं जाती, इसके बाद भी एक तड़का लगता है, देसी घी का तड़का लगता है। घोट घोट के बनाई हुई है दाल, आपको खुद नजर आई रही है। बहुत सही, बहुत सही। आगे क्या दिखाओगे? आगे यहाँ पराठे लगते हुए देख लो, आओ दम आगे दिखावत। चलो और क्या क्या चीजें फेमस है यहाँ की थोड़ी बताओ। यहाँ की फेमस दाल है, हाँ। पालक पनीर, चना फ्राई, हाँ। बैंगन भरता और लच्छा पराठा जो यहाँ का सबसे बेस्ट है। तड़का लगेगा, 12 घंटे पकती रहती दाल। यहाँ का जो फेमस आइटम है ना, मोस्टली लोगों की तो रिकमेंडेशन ये। अभी तड़का लगा रहे हैं? हाँ जी। एक बार तड़का देखें दोस्तों, ये देखें भाइयों किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। और जो दाल है ना यहाँ की दाल, फेमस दाल, वो सर्व की जा रही है भाइयों। पर आपको पता है ना कि केसर के ढाबे की दाल सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे छाई हुई है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि इनकी जो डेग है ना, इतनी बड़ी डेग है, उसी में सारा आइटम बनता है। तो एक बार ये दाल सारी लग रही है, और किस तरह से तड़का लगाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। भैया इसमें प्याज डालोगे? ये देखो ये किस तरह से उन्होंने दाल बिछा दी। ये देखो ये आ गई प्याज। ये देखो भाई ये प्याज का तड़का लगता है देसी घी में। ये देखो दोस्तों ऊपर से ये डाल दी देगी मिर्च कलर के लिए थोड़ी सी। ये देखो भाई अब तड़का चेक करो एक बार, देख रहे हो? क्या बात है यार, ये है असली जायका भाई पंजाब का, देसी घी का तड़का। क्या बात है भाई, लच्छे यहाँ पे घी लगता है सर। भाई साहब यहाँ पे चार पांच सारे काउंटर लच्छे पराठे लगे हैं। सब लच्छे पराठे, आलू पराठे, गोभी का। एक बार दोस्तों घी देखें आप, ऊपर उठा लो। ये देख लो इसको ऐसे क्रश करते हैं, ऐसे क्रश होके जाता है जी। सर आओ आपको सब्जियां दिखाते हैं, यहाँ के फेमस पालक पनीर है। क्या बात है, 3 घंटे देसी घी में घुसते हैं इसको। कितने देर? 3 घंटे। ये देखो भाई, ये देखो पालक पनीर कंसिस्टेंसी देखो इसकी भाई। एक कटोरी में कितने पीस जाते हैं इसमें? 8 पीस सर। 8 पीस आते हैं। क्या बात है, ये भी देसी घी का आइटम है? ये सब देसी घी में बनता सर। अच्छा अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये कढ़ाई पनीर है सर। ये देखो भाइयों इनका कढ़ाई पनीर एक बार चेक करो, बहुत सही। बैंगन भरता है ये यहाँ का जो फेमस है जी। भाई साहब ये बैंगन का भरता देख रहे हो आप, ये यहाँ का वर्ल्ड फेमस है ये बोलूँगा मैं। नहीं जी। और ये? ये सर शाही पनीर है। शाही पनीर, इसमें थोड़ा सा रोगन कम लग रहा है। नहीं ऐसे ही कलर ही है। अच्छा ऐसे ही कलर आता है इसमें, ठीक है। और ये? ये राजमा है सर। राजमा बना दिए भाई,
सही बात है। और ये मलाई कोफ्ता सर, यहाँ मलाई कोफ्ता जी, ये बढ़िया निकलता है जी। ये छोले हैं सर, ये अमृतसरी छोले बोलते हैं, वो है कुछ जी, और जी, है? वही वही है क्या? अच्छा, और इधर यहाँ पे दाल है। अच्छा, वो दाल वही वाली, ये टेकअवे। अच्छा, इधर साइड टेकअवे का सिस्टम है पूरा, ठीक है। तो भाई ये है इनकी पालक पनीर की सब्जी और देसी घी में बनती है। और एक बार इसका रोगन देखें, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर आ रहा है ना भाई, ये है इसका मतलब कि मसाले अच्छे से पक चुके हैं। ये देखो, ये है इनका पालक पनीर, बहुत ही बिजी किचन है। और ये है इनका बैंगन का भरता, जो वर्ल्ड फेमस है भाई, केसर का ढाबा अमृतसर में। ये देखो, ये देसी घी ऊपर से डाला इन्होंने। और ये देखो, ये है इनका कढ़ाई पनीर, और इसका भी आप रोगन चेक कर सकते हैं। ये देखो भाई, क्या बात है। और सब में, हर सब्जी में देसी घी की खुशबू आ रही है। ये हो गया इनका शाही पनीर, और रोगन थोड़ा सा इसमें कम है, बाकी शाही पनीर यहाँ पे ऐसा ही सब होता है। ये देखो, हाँ, ये शाही पनीर हो गया। ये इनका जो राजमा की सब्जी है वो हो गई, ये देखो राजमा की सब्जी। और ये है मलाई कोफ्ते, क्या बात है, ये देख रहे हो मलाई कोफ्ते, केसर का ढाबा का फेमस मलाई कोफ्ता भाई, साइज चेकआउट करें एक बार आप। और ये आ गया इनका छोले की सब्जी, जो अमृतसरी छोले फेमस है ना, वो चीज़। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, इनके जो लच्छा पराठा लगता है ना भाई, वो दिखा देता हूँ एक बार। ये देखें भाई, किस तरह से यहाँ पर इस पर घी लगाया जा रहा है, एक बार चेक करें आप, क्या बात है यार। पूरा घी से अच्छे से मिला देते हैं इसको, बस इवन टाइम भी नहीं है, ये फटाफट से लेके जा रहे हैं, क्योंकि भाई बाहर भीड़ बहुत तेज है। परात में पूरा घी देख सकते हो किस तरह से फैल रहा है, ये देखो क्या बात है भाई। एक बार उठा के दिखा दिए थोड़ा सा, ये देखो भाइयों, घी देख रहे हो किस तरह से टपक रहा है। तो अब ये नहीं पता मेरे को इतना घी के लोग बाग यहाँ पे कैसे खा लेते हैं। वैसे तो मैं, हमारे पास कमेंट आते हैं कि भाई घी घी घी, भाई यहाँ पर रोजाना का माहौल ऐसे ही रहता है, हैं? किसी दिन, किस दिन थोड़ा कम रश रहता है, सभी दिन होता है, पर रात को ज़्यादा होता है, संडे सैटरडे तो ज़्यादा चलता ही है। तो चलते हैं हम भी अंदर और ट्राई करते हैं यार। थैंक यू सो मच, क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत सर। रंजीत, रंजीत यार थैंक यू सो मच यार, टाइम दिया तुमने यार। दोस्तों एक बार भीड़ का माहौल देख लें यहाँ पर, और मैं आपको बाहर की भीड़ भी दिखाऊंगा। दोस्तों मैं हूँ अमृतसर में, और अमृतसर में आपको पता है केसर का ढाबा बहुत फेमस है। ये देखो हमारी थाली लग चुकी है दोस्तों, ये इनका लच्छा पराठा है, जो आपको किस तरह से ये मैश कर देते हैं वो मैंने आपको दिखाई दिया। ये है इनकी फेमस पालक पनीर इनका, हाँ। और ये है इनकी दाल, जो फ्राई दाल, वो दाल मखनी रहती है, और इसका बटर देख सकते हैं, घी, घी का तड़का, बहुत तगड़ा रोगन डाला है इसमें उन्होंने। और ये है इनका फेमस बैंगन का भरता, और गर्माहट देख रहे हो कि इसकी धुआं दिख रहा है आपको। एक्चुअली क्या है ना, ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जितनी भीड़ यहाँ पे रहती है उस हिसाब से ये एक अमृतसर का एक ऐसा स्पॉट है, जहाँ पर हर जनता यहाँ पे आती है। जो भी अमृतसर में फैमिलीज आती है या फिर कोई भी अमृतसर में आता है, तो एक बार केसर का ढाबा जरूर आता है खाना खाने। किस कर लेते हैं, आ जाओ। ये लेता हूँ मैं लच्छा पराठा, और सबसे पहले इनका इसके साथ ट्राई करूँगा बैंगन के साथ। ये देखिए, देसी घी का आइटम बताया गया है कि पूरा देसी घी में बनता है, देख लेते हैं देसी घी। बैंगन का भरता बहुत कम करना है, बैंगन का भरता अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, तीखापन इसमें ज़्यादा नहीं है। पता है क्या, जो बैंगन का भरता होता है ना, उसमें हल्का फुल्का बैंगन का स्वाद जो आना चाहिए ना, वो नहीं, बैंगन की स्मोकी टेस्ट आता है। ये इनकी दाल मखनी देखें एक बार। एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, घी इतने अमाउंट में डला हुआ है ना इसमें, तो भाई बहुत ज़्यादा घी का टेस्ट आ रहा है। दाल मखनी बढ़िया है, ऐसे मेरे को बेस्ट तो नहीं लग रही है। जिस क्वांटिटी में इसके अंदर घी डाला हुआ है ना भाई, उस हिसाब से घी का टेस्ट ज़्यादा लग रहा है मेरे को।
ये देखिए सर, नहीं भैया ये देखो, ये आ गया पनीर, और ये देखो पनीर और पालक। इसका टेस्ट मस्त है। तो पनीर देख रहे हो आप, एकदम सॉफ्ट पनीर है ना। इनका कहना ऐसा है कि भाई पनीर हमारे खुद का बनता है, तो चलो बढ़िया बात है भाई। इसके अंदर प्रॉपर गर्म मसाले का टेस्ट आ रहा है, पनीर की सॉफ्टनेस में तो नज़र आ रही है, फ्रेशनेस में तो नज़र आ रही है, पालक का टेस्ट में तो आ रहा है इसमें, बहुत सही जगह है। देखो हम फूड ब्लॉगर्स की अगर बात करें तो फूड ब्लॉगर्स को तो ये दिखाने में बहुत मज़ा आता है, बट गाइस ये चीज़ है ना आम आदमी रोजाना नहीं खा सकता मेरे हिसाब से। इधर देखा तो बाकी घी बहुत दबा कर डलता है यार, अगर ये एक्चुअली घी है ना तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में घी है। इनका बैंगन का भरता फर्स्ट नंबर पर लगा मेरे को, बहुत ही टेस्टी लगा। पनीर की सब्ज़ी जो पालक पनीर है वो बहुत अच्छा लग रहा है। दाल मखनी सबसे एंड में, क्योंकि हल्की सी मेरे को थोड़ी स्मूथ लग रही है, थोड़ी सी पतली लग रही है। एक्चुअली दाल मखनी इससे बेटर मतलब खाई हुई है, तो मैं इसको वो वाली चीज़ नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बेस्ट है। जो बंदा बहुत सारी जगह बहुत बेस्ट बेस्ट दाल मखनी खा चुका है ना, उसको ये दाल मखनी नॉर्मल लगेगी, बट कोई बंदा कभी कभार बाहर की मील्स खाता है और यू नो रेगुलर भागा खाना नहीं खाता, कभी कभार भागा खाना खाना होता है उसको, उसके हिसाब से दाल मखनी बढ़िया लगेगी। दोस्तों मैंने इनका एक फिर भी मंगवाई है, जो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मैंने देखी हाथ में, एक बार ये टेस्ट कर लेते हैं, एक बार टेस्ट करते हैं एक बार। भाई साहब ये तो बहुत टेस्टी चीज़ है यार, एकदम मलाई की तरह स्मूथ है भाई। फिर नहीं तो मेरे को ऐसी लगी कि मैं इसको खाए बिना रोक ही नहीं रहा हूँ, देख रहे हो। अल्टीमेट यार देख रहे हो भैया, ये एक चीज़ है तो केसागढ़ ढाबे में मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा। थाली तो मेरे ख्याल से हजारों फूड ब्लॉगर्स ने आपको दिखा दी होगी, बट ये जो केसर की जो केसर के ढाबे की जो फिरनी है ना भाई, मस्त रिकमेंडेड है केसर का ढाबा। यहाँ पे बहुत टाइम से आना चाह रहे थे हम लोग, फाइनली यहाँ पे आए और खाना इन्जॉय किया, अल्टीमेट खाना लगा। मेरे ख्याल से अगर आपका अमृतसर आना हो रहा है तो एक बार तो आपका भी केसर का ढाबा आना बनता है दोस्तों। यहाँ का लच्छा पराठा, बैंगन का भरता, दाल फ्राई, ये सब चीज़ें ट्राई करना और मेरे को बताना कि आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। तो वैसे चलिए मैं इसको एंजॉय करता हूँ, आपसे मिलता हूँ सौ जगह। थैंक यू सो मच, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों का शेयर कर दे इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, मैं खा चुका हूँ, दूसरी खा रहा हूँ और तीसरी देखो ये मंगा चुका हूँ।